प्याज की नर्सरी में जड़ी बूटी का मसला आजकल बहुत सारे फार्मर्स को आ रहा है और मुझे भी एक फार्मर ने इसी सिलसिले में अप्रोच किया और इस मसले का हल पूछा है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। हमेशा की तरह सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों का भी फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज की जड़ी बूटी को ट्रांसप्लांटेशन के बाद कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यही प्याज की जड़ी बूटी आपको नर्सरी में तंग कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आज के 2023 में हाइब्रिड प्याज बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अगर मैं एवरेज प्याज की प्राइस बात करूं तो प्याज की जो सीड का रेट है वो 70,000 एवरेज चल रहा है और ये एक बहुत बड़ी प्राइस है 1 केजी सीड के लिए। तो अगर इसमें भी आप जर्मिनेशन या और ऐसे मसाइल जिसमें आप अपनी नर्सरी कमज़ोर हो जाए या ख़राब हो जाए तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इसलिए हम प्याज की नर्सरी में जो प्री इमर्जेंस जो हर्बिसाइड है वो हम नहीं इस्तेमाल करवाते, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे नर्सरी डैमेज हो सकती है आपकी। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम कौन से ऐसे हर्बिसाइड हैं मार्केट में और किस मिकदार में हम उनको इस्तेमाल करें तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो भी पोस्ट इमरजेंस में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्री इमरजेंस में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 3 ऐसे हर्बिसाइड्स की मैं आज बात करूंगा और आपको उनके किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा आप कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं जिससे आप जो प्याज की नर्सरी के अंदर जो जड़ी बूटी है उसको अच्छा आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो मैं अगर सबसे पहली जो हर्बिसाइड है उसकी बात करूं तो उसमें मैं परसेप्ट का नाम बहुत दफा दे बहुत बता चुका अपने फार्मर्स को कि परसेप्ट एक कैंजो एजी का एक प्रोडक्ट है और कैंजो बहुत अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में दे रही है। और परसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली नुकीले हर्ब जो जड़ी बूटी है, नुकीले पत्ते वाली जो हर जड़ी बूटी है उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। अगर आपके खेत में आपकी नर्सरी के अंदर आपकी पनीरी के अंदर अगर आपको नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी का मसला है तो आप परसेप्ट का इस्तेमाल करें, केंजो एजी के प्रोडक्ट के परसेप्ट का इस्तेमाल करें, उससे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। आप इसको 80 ml तक, 50 से लेके 80 ml तक आप इसको फी 20 लीटर पानी में, 20 लीटर के टैंक के अंदर आप 50 से 80 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। परसेप्ट का साइड इफेक्ट कम है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके आपको नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हर्बिसाइड रूट सिस्टम पे काम करता है तो वो होस्ट प्लांट को भी किसी हद तक स्ट्रेस देता है। आपके प्लांट्स को जो नर्सरी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव पेश आएगा। सेकेंड जो प्रोडक्ट है इस वक्त जो मार्केट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो केंजो का ही दूसरा प्रोडक्ट है, हदफ के नाम से। हदफ एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसे ट्रांसप्लांटेशन के बाद पनीरी की मुंतकली के बाद इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं, वहां आप इसकी हाई मिकदार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पनीरी के अंदर ये मसला आ रहा है और उसमें आपने इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हदफ चौड़े पत्ते में बहुत अच्छा काम करती है। चौड़े पत्ते वाली कोई भी जड़ी बूटी हो नर्सरी के अंदर आपके, तो वहां आप इससे अच्छे से कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये हदफ का इस्तेमाल आप 5 cc से ऊपर नहीं कर सकते। 20 लीटर पानी के अंदर, 20 लीटर की टंकी के अंदर आपको 5 cc के जो इंजेक्शन मिल जाएंगे, अगर आपके पास पैमाना नहीं है तो आप 5 cc का कोई भी इंजेक्शन ले लें और उसको भर के उसके अंदर डाल लें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि 5 cc की मिकदार मैक्सिमम मिकदार है, आप जितनी कोशिश कर सकते हैं इससे कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 cc का जो मिकदार है वो आप 1 महीने की पुरानी जो पनीरी है उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी उम्र कम से कम 1 महीना हो चुकी है और वहां आपको जड़ी बूटी का मसला आ रहा है, तो वहां आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें अगर आप 4 या 3 cc तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको कम से कम साइड इफेक्ट आएंगे। स्ट्रेस डेफिनेटली आएगा, हर हाल में आएगा, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पौधों को स्ट्रेस नहीं आएगा। हदफ के अंदर जो केमिकल मौजूद है उसका स्ट्रेस लाजिमन आता है पौधे के ऊपर, तो आप जितनी कम मिकदार इस्तेमाल करेंगे आप उतना बेहतर रिजल्ट अच्छे ले सकते हैं।
तीसरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में इस वक्त, जो टॉप पे प्रोडक्ट है, जिसकी कंपनी मैं इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं समझता, लेकिन एक दो कंपनियां ने मार्केट में इसको लॉन्च किया हुआ है। एक है टॉप्सन के नाम से और एक मेरा ख्याल है एडवांस केमिकल्स के नाम से ये कंपनी ये प्रोडक्ट दे रही है। टाइफास के नाम से ये प्रोडक्ट है जी। टाइफास के अंदर तीन केमिकल्स मौजूद हैं, तीन किस्म के केमिकल्स मौजूद है, जिसमें एक्सीफ्लोर मौजूद है, एसिटाक्लोर मौजूद है और इसके अलावा पेंडीमेथिलीन मौजूद है। ये एक तीन केमिकल्स का, तीन हाइब्रिसाइड्स का मिक्सचर है इसके अंदर। और टाइफास के रिजल्ट्स भी अच्छे मार्केट्स में अनाउंस्ड हुए हैं, तो फार्मर्स ने भी इसके बारे में अच्छी राय दी है कि ये इसके रिजल्ट्स अच्छे मौजूद हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो मैं फिर बात करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल भी आप मिनिमम मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे 30 या 35 दिन के हैं या इससे कम है तो कोशिश करें कि 6 cc से या 5 cc से कम इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे बहुत यंग है, 2-3 हफ्तों के हैं, तो कोशिश करें 1 cc या 2 cc आप इस्तेमाल करें। 20 ml पानी में, 20 लीटर पानी में आप 2 cc से लेकर 6 cc तक आप इसकी मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस, मैं दोबारा बोलूंगा, स्ट्रेस डेफिनेटली आएगा, तो आपने स्ट्रेस के लिए कोशिश करनी है कि एक आध दिन बाद आप किसी भी अच्छे अमीनो एसिड ग्रुप में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अभियान का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैकामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिकन फोलियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके पौधों के ऊपर जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए। तो ये कुछ केमिकल्स थे, जो कुछ हर्बिसाइड्स थे, जो मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ये इनके साथ इनकी मिकदार की बात की है। कोशिश करें कि इन मिकदार से कम रहें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना आना पड़े। बाकी मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करता हूँ कि कोशिश किया करें कि जो पनीरी है वो हमेशा ऐसे जमीन पर काश्त करें जहां पर आपको किसी किस्म की जड़ी बूटी के मसाइल नहीं है। आपकी जमीनों में ऐसे जमीनें मौजूद होंगी जहां जड़ी बूटी के मसाइल नहीं है। अगर फिर भी आपके फील्ड में जड़ी बूटी के मसाइल मौजूद हैं तो कोशिश करें कि उस जमीनों को एक दो दफा रोटावेटर से हल चलाएं उसके अंदर, ताकि उसमें जो जड़ी बूटी है वो खत्म हो जाए। उसके बाद फिर जब वहां आप 2-3 दफा रोटावेटर फेर देंगे और आपकी जमीन जो है ना जड़ी बूटी उगा देगी, तो उसके ऊपर किसी भी हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करें ताकि वहां जितने भी मौजूद जड़ी बूटियां हैं वो खत्म हो जाए। उन जमीनों पर काश करें ताकि आपको ऐसे मसाइल से दुश्वार ना होना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की मिल चुकी होगी। दोबारा इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिए, तब तक के लिए असलाम।